जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं हमारे ऑर्गेनिक में, हमारे जो चल रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया उसका सेकंड लेक्चर यू स्पेक्ट्रोस्कोपी का। वो नया टॉपिक क्या है हमारा? बियर्ड लैम्बर्ट लो। आज का टॉपिक है बियर्ड लैम्बर्ट लो। क्या क्या होने वाला है वीडियो के अंदर? जो वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे, लिमिटेशन पर जाएंगे और फिर लास्ट एप्लीकेशन इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन में देखेंगे इसका क्या है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है देखिए, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ओके इज पास थ्रू ए होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम ओके then rate decrease in intensity of light with thickness of the medium is directly proportional to intensity of incident light and concentration of solution। अब स्टेटमेंट तो मैंने बोल दिया लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए हम साइड में चलते हैं, कोने में, ठीक है। इधर आइए। मान लीजिए कि आपके पास में ये क्या है, एक्सैम्पल ट्यूब है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये वाला, ये लीजिए, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं, ये लीजिए होमोजीनियस सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने इसमें क्या ले लिया, होमोजीनियस सॉल्यूशन ओके। अब सुनिए, मैं इसमें क्या करूँगा, लाइट पास करूँगा, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट और होमोजीनियस मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूशन। ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, सुनिए। सनलाइट जो होती है, नॉर्मल लाइट जो होती है, वो हर डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेशन करती है, ठीक है। तो हम इसको जब प्रिज्म में से निकालते हैं तो मोनोक्रोमेटिक लाइन या PPL हमें मिलता है, वो हम क्या करेंगे, इसमें से पास आउट करेंगे। इसकी जो इंटेंसिटी है, हमने माना कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई, और इसकी जो ये थिकनेस है, यानी लाइट इसमें से जब निकलेगी तो कितना पाथ ट्रेवल करेगी, वो हमने मान लिया एस एक्स, ठीक है। होमोजेनियस जो सॉल्यूशन हमने फिल किया, उसका कंसंट्रेशन हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सी से, और ये किस में रहेगा, मोल पर लीटर ओके। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ये इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई सी, ये लीजिए क्या। अब सुनिए, एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। एक वर्ड आया डिक्रीज, ये माइनस क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज को ओके। इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ थिकनेस ऑफ मीडियम, क्या कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और थिकनेस ऑफ जो मीडियम है उसके अंदर जो कमी आ रही है, इसके रेशियो में जो कमी आ रही है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बोल रहा है हमारा ये लो, समझ में आ गया क्या, क्या कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और थिकनेस के जो रेशियो है, जिसमें जो चेंज हो रहा है, वो कमी आ रही है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ये साइन हटाता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ, ये लीजिए, तो क्या आ गया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओके। अब सुनिए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हम साइड में मेंशन कर लेते हैं। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओके। क्या आ रहा है, सी कंसंट्रेशन, ये बताने की नीड ही नहीं है, और हम इसको किस में ले रहे हैं, मोल पर लीटर में, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट के कांस्टेंट है रे बाबा, का है कांस्टेंट, चलें ठीक है। अब आई हमारा हो गया, सी हो गया, के हो गया, एक्स क्या है, थिकनेस, मीडियम ठीक है, या सॉरी जो पाथ ट्रेवल कर रही है लाइट, इसमें वो वाला ठीक है। चलिए तो हम क्या बोल देंगे, थिकनेस ऑफ द मीडियम। चलिए
ये तो हमने सारी चीज़ें देख ली कि क्या क्या चीज़ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है क्या, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये भी इंटेंसिटी दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ रख लेंगे इंटेंसिटी वाली चीज़ों को ऐसे, और के डी एक्स इधर चला जाना है डी एक्स। मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। ये लीजिए, इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो लिमिट लगा के करेंगे, क्या करेंगे लिमिट लगा देंगे। लिमिट कैसे लगाएंगे, लोअर लिमिट आई की क्या हो जाएगी आई नॉट, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी आई। इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगी एक्स इजिकल टू जीरो और इधर एक्स इजिकल टू एक्स। अभी सुनिए, एक्स नॉट का मीन क्या है, जब मैं लाइट यहाँ पे इस पर डाल रहा हूँ उस टाइम आई नॉट, और इसमें से जब निकल रही है भाई पास भी तो होगी कुछ, माना कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी लेकिन कुछ ट्रांसमिटेड भी तो होगी, बाहर निकलेगी। इसको अपन बोल रहे हैं आई, और इसको बोल रहे हैं स्टार्टिंग में आई नॉट। दिस इज आई नॉट, दिस इज आई, क्लियर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारे पास में ऐसा आएगा, उसको इधर लिख लेते हैं, माइनस एल एन आई अपॉन आई नॉट। ये लीजिए, लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट, ये फॉर्मूला हमारा आ गया इसको सॉल्व करने पे। और आगे क्या आएगा, के सी एक्स। ये लीजिए, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब सुनिए, जब भी आप ऐसी किसी टर्म को सॉल्व करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, और ये माइनस एल एन के अंदर आएगा। मैं इस माइनस को अगर हटाना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, आई नोट अपॉन आई इज इक्वल टू के सी एक्स। ये लीजिए माइनस फोर, क्यों, क्योंकि जो नीचे था मैं ऊपर लिया, ऊपर वाले को नीचे लिया है, तो नेगेटिव जो है कैंसिल आउट हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2.303 log I not upon I is equal to KCX, ये लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि भैया ये है नेचुरल लॉग, अब मैंने इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, 2.303 से क्या कर दिया इनटू कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी चीज़। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, K अपॉन 2.303 K, तो आई गया, अब हमारा क्या बच गया सी एक्स। ये लीजिए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, लॉग आई अपॉन आई नॉट अपॉन आई, इस फॉर्मूला को मैं एक नया फॉर्म दे रहा हूं, कैसे, देखिए, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। इस फॉर्मूला को मैंने ऐसे क्या कर दिया, मॉडिफाई क्या करते हैं हम लोग, स्प्लेंडर लेते हैं, हमने स्प्लेंडर ले ली पुरानी सी है कुछ, हम इसको मॉडिफाई कराते हैं, और क्या करते हैं डुप्लीकेट क्या बना लेते हैं, रॉयल इनफील्ड बना लेते हैं, है ना, ऐसे पुचकी सी लगती है जो, तो मैंने इसको क्या करा, मॉडिफाई करवा लिया। मॉडिफाई कैसे कराया, सुनिए, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, टी ट्रांसमिटेंस जो है वो टी होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, आई अपॉन आई नॉट, ये ट्रांसमिटेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ए जो है, अब देखिए अभी मैंने बताया नहीं ए और एप्सिलॉन क्या है, अभी मैं मेंशन कर दूंगा, पहले देख लेते हैं। ए जो है एब्जॉर्बेंस होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कुछ ऐसे, लॉग वन अपॉन टी, लॉग वन अपॉन टी, टी क्या है ट्रांसमिटेंस। चलें आगे, ठीक है, मैं टी की वैल्यू ऊपर पुट करता हूं, तो ए क्या आता है देखते हैं, ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई, ये आ गया, ए की वैल्यू यही है ये, तो ये रहा लॉग आई नॉट अपॉन आई, तो इसकी जगह मैंने ए पुट कर दिया। ओके, के अपॉन 2.303 कॉन्स्टेंट है, तो एक नया कॉन्स्टेंट बना दिया एप्सिलॉन, चलें। और C कंसंट्रेशन L, ये रहा L, दिस इज L, थिकनेस ऑफ मीडियम, इसे L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये जो अभी हमने देखा है ये क्या है, ये हो गया हमारा बीयर लैम्बर्ट लॉ। ओके, अब सुनिए, यहाँ पे हमने जो देखा है उसमें कई सारी चीज़ें हमने देखी, होपफुली समझ में आया होगा ये वाला पार्ट इस वीडियो का। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, ठीक है। अब इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम आ चुके हैं, हमने जो लास्ट फार्मूला देखा था हम इसी से स्टार्ट करते हैं, कि ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन
सी एल, यही था। ए क्या था? एब्जॉर्बेंस। ओके, इसको हम क्या बोल रहे थे? लॉग आई नोट अपॉन आई, ठीक है। एप्सिलॉन मोलर एक्सटेंशन कॉफिशियंट, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? मोल लीटर पर मोल, एक मिनट, दूसरे पेन से लिखते हैं। ये क्या है इसकी यूनिट? यूनिट लिखते हैं इसकी, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट है। कई बार पूछ लेता है वो मोलर एक्सटेंशन कॉफिशियंट की यूनिट क्या रहेगी, ठीक है। एल लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, ठीक है, बताने की नीड नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं बेयर लैम्बर्ट लॉ के लिमिटेशन के अंदर। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हमारी लिमिटेशन क्या है? हमारी लिमिटेशन हमें पता होता है कि क्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है। हम हमारे माइंड से हमारी लिमिटेशन क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। तभी कहते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है, कोटेशन है बहुत अच्छा, स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है हमारी, ठीक है। आइए, हाँ, लेकिन इसकी लिमिट है लिमिटेशन। आइए लिमिटेशन, अभी लिमिटेशन क्या है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। लिमिटेशन फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट। आपके डाइल्यूशन से क्या मतलब है भैया? डाइल्यूशन से मतलब है सॉल्यूशन के अंदर दो चीज मिली हुई होगी, कौन कौन सी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए, समझ में आया क्या है? किसके कंपेयर में? सॉल्यूट के कंपेयर में ज्यादा, ठीक है। ओके, सेकेंड, टेम्परेचर जो है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। हमारा जो टेम्परेचर वो कहना चाहिए ना, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस ड्यूरेशन के अंदर, टेम्परेचर ना तो अप होना चाहिए ना डाउन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये कंडीशन एक हो गई। थर्ड, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कि कोई भी रिएक्शन होनी नहीं चाहिए हमारे सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सैंपल ट्यूब ली मैंने, इस सैंपल ट्यूब में लाइट डाल रहा हूँ, इधर से ट्रांसमिटेड हो रही है, ठीक है, सारी चीज़ें, इसमें मैंने सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन में किसी भी तरह की सॉल्यूट और सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ये लिमिटेशन इसमें ज़रूरी है। चलिए, तीन लिमिटेशन हमने देखी जो कि बहुत ज़रूरी थी हमारे। ओके, अब हम एप्लीकेशन पार्ट पर चलते हैं। आइए, एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन पार्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वही हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या, डिटरमिनेशन ऑफ, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका निकालेंगे? सॉल्यूट का। तो कुछ चीज़ें इसको पढ़ने से पहले मैं साइड में आपको कोने में ले चलता हूँ, इधर आइए, इधर आइए। मैंने बनाया सॉल्यूशन, बना लिया। सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ले लेते हैं, उधर सॉल्यूट, ये लीजिए, इन दोनों से मिलके बना होता है ये। अब सुनिए मैं क्या क्या चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं मोल की बात करूँगा तो इसके मैं मोल लिखूंगा N1 और इसके मोल में लिखूंगा N2। ओके, इधर आइए। अगर मैं वेट की बात करूंगा तो इसमें लिखूंगा W1 और इसका लिखूंगा W2, ठीक है। इसके मैं मॉलिकुलर वेट की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा M1 और इसमें लिखूंगा M2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है, तो बीच में से ये एरो हटा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियरली दिख जाए, ये लीजिए, कंफ्यूज ना हो आप लोग, बोलो हम तो ऐसे ही कंफ्यूज रहते हैं। ये लो, समझ आ गया क्या क्या है? चले, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि भी काम आएगा ना। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, एक बार दोबारा से आइए इधर, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। ओके, यहाँ पे अब आप बोलोगे कि यार वेट तो है ही नहीं कुछ, लेकिन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है लाला, ये रही सी, और सी को मैंने क्या बोला था कि सी को हम लेंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल किसके मोल, सॉल्यूट के मोल रे, सॉल्यूट को मोल क्या है लाला, टू, एन टू है सॉल्यूट के मोल, और लीटर को हम क्या लिखेंगे, वी, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है, चले आगे, ठीक है, एन टू, एन टू होता है मोल। अब एन टू अगर आपने लिखा है तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन ग्राम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेरी गुड, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, ये लीजिए, ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे पुट कर दीजिए, डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू वी, तो ये क्या निकल के आ गई, सी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ये अपन को आनी चाहिए, ये चीज़ें इस लेवल पे आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये इस फॉर्मूले में रखता हूँ, तो ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू वी, ये लीजिए, यहाँ से अब जो आपसे वो पूछेगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं, वेट भी निकाल सकते हैं ग्राम के अंदर, एब्जॉर्बेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और मोलर एक्सटेंशन कॉफिशेंट भी निकाल सकते हैं, और लेंथ ऑफ ट्यूब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं, हम यहाँ से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन और लिमिटेशन, होपफुली वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।